हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो वो किंगडम प्लांट ए के रिलेटेड है। किंगडम प्लांट ए और इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या साइलेंट फीचर्स हैं, तो आज हम इनको डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है तो उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। किंगडम प्लांट ए में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो जनरली एक तो यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर। सो वी कैन से दैट दिस ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इस ग्रुप में मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो मल्टीसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। दैट इज उनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगर इनके साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किंगडम प्लांट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, तो जनरली दीज ऑर्गेनिजम्स और द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो इस ग्रुप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जनरली ऑटोट्रॉफ्स हैं, या जनरली हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स हैं। जो फूड प्रेपरेशन करते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके, इन चीज़ों का, इन रिक्वायरमेंट्स का इस्तेमाल करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए। तो हेंस वी से दैट दे ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर जनरली कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। सो वी कैन से दैट दे आर हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस ग्रुप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली प्लांट्स, तो उन प्लांट्स में एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर यह होता है कि उनकी सेल्स में एक रिजिड सेल वॉल होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एक तो सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल जो कि सेलुलोज का बना होता है, और सेल के बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो इन सेल्स में या इन ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या इनके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, उनमें एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो इसी क्लोरोफिल की वजह से या मदद से ये फूड प्रिपेयर करते हैं। अब अगर हम किंगडम प्लांट की बात करेंगे तो ये एक वास्ट किंगडम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, और उन प्लांट्स को या इस किंगडम को सब डिवाइड किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है 5 सब ग्रुप्स में। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि किंगडम प्लांट किस तरीके से क्लासिफाई की गई है, तो किंगडम प्लांट इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 सब ग्रुप्स। इसको 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सब ग्रुप दैट इज थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 टेरिडोफाइटा, नंबर 4 जिम्नोस्पर्म्स एंड नंबर 5 एंजियोस्पर्म्स। तो इन 5 सब ग्रुप्स और उनके जनरल फीचर्स या साइलेंट फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आज जो सब ग्रुप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांट का, वो है थैलोफाइटा, पहला सब ग्रुप, और उस सब ग्रुप के सारे फीचर्स हम देखेंगे। तो वी कैन से दैट दीज द किंगडम प्लांट इट हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 सब ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब सवाल ये उठता है कि किंगडम प्लांट को किन क्राइटेरिया की बुनियाद पे, इनका बेसिस क्या बनाया गया जब इनको 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इस किंगडम प्लांट को, तो क्राइटेरिया क्या फॉलो हुआ, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे हमने 5 सब ग्रुप्स में इस किंगडम को डिवाइड किया है। तो वो क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिनकी बेस पे हमने ये डिवीजन की है। नंबर 1 क्राइटेरिया जो है दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। जितने भी प्लांट्स
किंगडम प्लांट में आते हैं, इंक्लूडेड हैं। हम इनको डिवाइड सब ग्रुप्स में इस बेसिस पे करते हैं कि क्या उनकी बॉडी डिवाइड की गई है रूट सिस्टम या लीफ में या नहीं। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं इस किंगडम के अंदर जिनमें रूट सिस्टम और लीफ होता ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें होता है रूट भी, स्टेम भी और लीफ भी। तो हैनस ये एक क्राइटेरिया ऐसा है जिसकी बुनियाद पे हमने फिर अलग से पांच डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, दैट इज और फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें हम इन तीन चीजों को लेते हैं। नंबर सेकेंड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्क्यूलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंसेस। देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर या फूड या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं। तो किसी ग्रुप में पाया जाता है ये सिस्टम, दैट इज वेस्क्यूलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंसेज, दैट इज इसमें दो टिश्यूज आते हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम की बेस पे भी हम डिवीजन को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि किंगडम प्लांटे फर्दर डिवीजन्स में सब डिवाइड तो हुआ है, क्यों हुआ है ये क्राइटेरिया भी हम मद्देनजर रखते हैं कि क्या उनकी बॉडी में ये वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, क्या उनकी बॉडी में जाइलम फ्लोएम है जिनकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होंगे ये मिनरल्स या वाटर या और भी बहुत सारी चीज़ें या नहीं है ये चीज़ें इनमें प्रेजेंट। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास बन गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्क्यूलर सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टेंसेस। और नंबर तीसरा क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हमने इस किंगडम को क्लासिफाई किया गया है फर्दर सब ग्रुप्स में, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स और फ्लावर्स। क्या इन प्लांट्स में या इन डिविजन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सीड्स प्रेजेंट होते हैं या फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते, और अगर सीड्स अब होते हैं प्रेजेंट तो क्या वो सीड्स, वेदर द सीड्स दे आर नेकड और दे आर एनक्लोज्ड विद इन ए फ्रूट, क्या वो सीड्स नेकड होते हैं, कवर्ड नहीं होते और कवर्ड इनसाइड द फ्रूट या फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो ये तीसरा क्राइटेरिया ऐसा है जिसकी बेस पे हम किंगडम प्लांटे को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स और फ्लावर्स एंड वेदर द सीड्स आर नेकड और एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। तो ये कुछ फीचर्स थे किंगडम प्लांटे और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था कि किंगडम प्लांटे को फर्दर पांच सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे, जो डिवीजन इसमें हम पढ़ेंगे वो है डिवीजन थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए थैलोफाइटा कौन सा ग्रुप है प्लांट किंगडम का, या इस ग्रुप के क्या फीचर्स हैं, तो ये हम देखेंगे। थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनको हम जनरली नाम देते हैं एल्गे। तो ये ग्रुप एल्गे का है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। जो थैलोफाइटा डिवीजन है किंगडम प्लांटे का, इस ग्रुप को हम आम तौर पर जबान में बोलते हैं, या आम तौर पर इनको हम बोलते हैं एल्गे। यानी कि जो प्लांट्स इस ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम एल्गे नाम देते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। नंबर सेकंड, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स। इस ग्रुप में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही सिंपल और प्रिमिटिव हैं। यानी कि उनमें जब से एवोल्यूशन हुआ है स्टार्ट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंज नहीं हुआ है, दे हैव नॉट चेंज इन मच, सो दे आर हैविंग प्रिमिटिव स्ट्रक्चर एंड दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ प्लांट्स। तो इस ग्रुप में सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स पाए जाते हैं और प्रिमिटिव प्लांट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है नंबर दूसरा फीचर। नंबर थर्ड,
सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, जिस फीचर की बुनियाद पे, जिस फीचर की बेसिस पे इस ग्रुप को नाम पड़ा है थैलोफाइटा, तो अब मैं वो तीसरा कैरेक्टर आपको बताने जा रहा हूँ। थैलोफाइटा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें जो प्लांट्स आते हैं या अलगे आते हैं, तो उन प्लांट्स में जो उनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीफ। तो ये आप याद रखेंगे कि इस ग्रुप के प्लांट्स में जो बॉडी होती है वो रूट स्टेम या लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट इन प्लांट्स के अंदर जो इस ग्रुप में आते हैं उनमें ना तो ट्रू रूट होता है, ना ट्रू स्टेम होता है, ना ट्रू लीफ होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर इनमें कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। याद रखना, जिस प्लांट बॉडी की, जो प्लांट बॉडी रूट स्टेम या लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो, या जिस प्लांट बॉडी में ये तीनों ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ एब्सेंट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं कि इसके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर, थैलस, THALLUS, थैलस। तो चूंकि ये थैलस जो है, इसी थैलस टर्म से ये वर्ड निकल के आया है, ऑरिजिनेट हुआ है थैलोफाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट एंड थैलो मीन्स थैलस स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस ग्रुप के प्लांट, इस ग्रुप या इस डिवीजन को क्यों नाम पड़ा है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इसलिए पड़ा है कि इस ग्रुप के प्लांट्स के अंदर थैलस स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जिसमें रूट स्टेम या लीफ प्रेजेंट ना हो, ऐसे प्लांट बॉडी को या उसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस। तो हेनस इसी थैलस से इस डिवीजन का नाम पड़ा है थैलोफाइटा, कि इसमें ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास थैलस स्ट्रक्चर होता है। नंबर थर्ड, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डिवीजन, और इसी डिवीजन, इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसको नाम पड़ा है थैलोफाइटा। नंबर फोर, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्राइटेरिया मैंने बताए थे, उसमें एक क्राइटेरिया यही था कि क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। तो इनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती ही नहीं है, तो इसमें एब्सेंट होता है ये रूट स्टेम एंड लीफ। हेंस वी कैन से दैट कि हेंस होल प्लांट बॉडी रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ एन अनडिवाइडेड मास ऑफ सेल्स। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट स्टेम लीफ ना हो, बल्कि और जो होल पूरी प्लांट बॉडी जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड अनडिवाइडेड मास ऑफ सेल्स की फॉर्म में होती है, यानी कि थैलस स्ट्रक्चर की फॉर्म में, हेंस दे आर कॉल्ड थैलोफाइटा। नंबर फोर्थ फीचर, वेस्क्यूलर टिश्यूज, दैट इज, अभी मैंने बताया था आपको कि वेस्क्यूलर सिस्टम जिसमें हमारे दो टिश्यूज आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि थैलोफाइटा में वेस्क्यूलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो इसमें वेस्क्यूलर टिश्यूज होते ही नहीं है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट इन दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। नंबर फाइव, मोस्ट एल्गे आर एक्वाटिक। तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर एल्गे पानी में पाए जाते हैं, एक्वाटिक, और एक्वाटिक कौन से पानी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मैरीन वाटर में भी, साल्ट वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, या इसके अलावा ये वहाँ भी पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल लैंड, they can be found on land as well, but with moisture, उस लैंड के साथ थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप इन प्लांट्स को पाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम किंगडम प्लांटे को पढ़ रहे हैं, इसके डिविजन्स को पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, क्योंकि प्लांटे नाम है तो प्लांट्स से हम डील यहाँ पर कर रहे हैं, तो जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो हेंस वी से दैट द प्लांट्स इन दिस ग्रुप दे एग्जिबिट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक, ये एक और फीचर है इनका।
और जैसे अभी मैंने आपको बताया था किंगडम प्लांटे का एक फीचर कि इनकी बॉडी में एक रिजिड सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। तो अगर हम थैलोफाइटा की बात करेंगे तो इस ग्रुप के प्लांट्स में भी एक सेल वॉल पाया जाता है और वो भी सेलुलोज का बना होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द एल्गे दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली, उनमें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक ऑफस्प्रिंग या बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा करने में। लेकिन कुछ ऐसे एल्गे भी हैं जिनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनके दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, या पेरेंट्स में अगर गैमिट्स हों मेल फीमेल तो वो फ्यूज होके कोई नए ऑफस्प्रिंग्स फिर बनाते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्चुअल। सो वी कैन से दैट एल्गे दे रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्चुअली वाइल सम अदर फॉर्म्स दे के रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एज वेल, तो सेक्चुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एल्गे जो है, एक और फीचर इनका आप याद रखेंगे कि अगर हम पूरी अर्थ की बात करेंगे, पूरी अर्थ सरफेस की बात करेंगे, उसमें जो 50% लगभग 50% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो हम पाएंगे वो एल्गे का ही होता है। तो अबाउट 50% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एल्गे। पूरी जमीन के ऊपर अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को देखेंगे तो उसमें से 50% लगभग ऑर्गेनिक मैटर एल्गे बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स इस ग्रुप के मैंने आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। और अगर हम लास्ट में इनके एग्जांपल्स की बात यहाँ पे करेंगे तो एग्जांपल्स के तौर पर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लैमाइडोमोनास। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा डिवीजन का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास ये एक और एल्गे है इसी प्लांट इसी डिवीजन का, इसको हम बोलते हैं चारा। तो दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज चारा। ये जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म इस डिवीजन में इंक्लूडेड है तो इसको हम बोलते हैं स्पायरोगायरा, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं उल्वा। क्लैमाइडोमोनास, चारा, स्पायरोगायरा, उल्वा, तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि डिवीजन थैलोफाइटा के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं। इसके अलावा अगर मैं दो चार और एग्जांपल्स आपको बताऊं, एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं वॉलवॉक्स, तो वॉलवॉक्स भी है। एक और ऑर्गेनिज्म मुझे याद आता है उसको बोलते हैं क्लैडोफोरा। एक और है एस्टेबलेरिया, और एक और ऑर्गेनिज्म इसी किंगडम या इसी डिवीजन से बिलोंग करता है उसको हम बोलते हैं सर्गेसम। तो लगभग मैंने आपको आठ एग्जांपल्स इस ग्रुप की बताई हैं, तो आप उन आठ एग्जांपल्स को याद रखेंगे। एक तो है क्लैमाइडोमोनास, चारा, स्पायरोगायरा, उल्वा, वॉलवॉक्स, क्लैडोफोरा, एस्टेबुलेरिया एंड सर्गेसम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एल्गे विच आर इंक्लूडेड इन द डिवीजन थैलोफाइटा। ठीक है, तो होप मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, और गुजारिश आपसे यही करेंगे कि इस चैप्टर के जो भी आपको टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं तो आप साथ साथ इनके नोट्स खुद बना लेना, ताकि आगे जो एग्ज़ाम आपका होगा तो उसमें कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो ये नोट्स आपको उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।